एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और एक बार आपका फिर स्वागत है मेरी ट्रैवलिंग डायरीज़ में। और ये मैं आपको अगेन, अभी हम लोग एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, काला डूंगी, वहाँ पे हैं। और हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे, हम लोग हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे थे, और मुझे रास्ते में एक जगह नज़र आई। ये देखिए आप, कितना प्यारा मंज़र है ये। और ये देखिए, रिक रोड जा रहा है, सामने मकान है, और ये फार्म से ग्रीनरी, और ये सामने पहाड़ है। मतलब यू कैन सी दैट द व्यू, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रोड ओवर देयर, दिस इज अ फार्म्स फॉर शायद गेहूँ, वीट्स फार्म्स, एंड सी द लोकेशन मैन, इट्स फैंटास्टिक। मतलब आप यहाँ पे आओ और जब नेचर से बात करते हो, मेरा पूरा ब्लॉग इसी उत्तराखंड में चल रहा है नेचर पे, तो हम इसको दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि नेचर ऐसा होता है, नेचर इस तरीके से प्रोड्यूस करती हैं चीज़ें। और देखें आप, कितना शांति है यहाँ पे। जब आप बड़े शहर दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, यहाँ से बाहर आते हो, और देखिए कितनी तेज़ धूप है सीरियसली, और रास्ता देखिए, और आप ये फार्म्स देखिए, और ये व्यू देखिए, इट मींस पहाड़, रोड्स, खुलापन, ग्रीनरी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। और कितने बड़े ज़बरदस्त दरख्त हैं ये, आप मतलब ऐसी एक एक चीज़ मैं बयान नहीं कर सकता, बट इट्स फैंटास्टिक। और ये ना, ये थोड़ा सा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लगता है, थोड़ा सा कुमाऊं मंडल कहलाता है। और यहाँ पे लोगों में सबसे अच्छी बात है, ये ग्रीनरी पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने घर बनाएंगे। देखिए ये दो घर हैं, इसके बीच में गैप है, बीच में थोड़ी सी जगह है, पेड़ लगा हुआ है, इस तरह से ये लोग डेवलप करते हैं अपना रहन सहन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। टिल देन मैं आगे भी आपको और भी जगहों की वीडियो दिखाऊँगा हल्द्वानी से काशीपुर जाते वक्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस।